आज राधिका बना रही है भिंडी। सबसे पहले भिंडी की अच्छी तरह उसको धो करके सफाई करके, अभी उसमें मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है वो डाला है। अभी इसका पूरा पकने तक का वेट करेंगे। जब ये तेल जो है पूरी तरह पक जाएगा, देन फिर आगे क्या करते हैं वो आपको जल इसी वीडियो में जाएगा दिखाएंगे। पूरा का पूरा। भिंडी रेडी है कट भिंडी का करके। पेड़ ना अभी आज आपको भिंडी की सब्जी बताएंगे किस तरीके से हमारे इस साइड में बनाते हैं, नॉर्थ साइड में, और हम किस तरीके से बनाते हैं। बहुत से लोग हैं वो जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह डालते हैं और बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी बनाते हैं। हम इसको अपने फ्लेवर में बनाएंगे जिस तरीके से गांवों के अंदर बनती है। तो बेलना अभी अभी सबसे पहले इसके अंदर क्या, जीरा, जीरा इसके अंदर डाला। जीरा डालने के जस्ट बाद ही भिंडी को इसके अंदर डाल दिया। ये डाल दी दोस्तों भिंडी, फिर जब तक ये थोड़ी लाइट में ब्राउन नहीं हो जाएगी, पक जाएगी, तब तक इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो अभी थोड़े इसमें 5 मिनट लगेंगे पकने में, थोड़ी हल्की पक जाएगी। उसके बाद में इसके अंदर और मसाला वगैरह इसके अंदर डाले जाएंगे, वो भी लाइट में, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहेगा। कैसे काम करने देती मेरे को ये कहाँ से? ये देखो जेनी ने तंग कर रखा पूरी तरह। ये देखो कहाँ लेके जा रही है। नो बेटा ऐसे मत करो। टॉफी खाएगा? तो अभी इसको ढक दिया है 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद में इसके अंदर अदर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। और इसकी जो आंच है वो धीमी कर दी है, स्लो कर दी है। तो अभी इसके अंदर मसाले, ये थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक शमक स्वादानुसार, लाल देगी मिर्च, धनिया पाउडर, ये जो मसाले हैं ये घर पे ही हमने बनाए हैं, क्योंकि हमारे गांव के अंदर खेती वगैरह होती है इनकी, तो वहाँ से हमें भेज देते हैं घर जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम इनको पीस करके घर पे यूज़ करते हैं, बाहर से हम बहुत कम लाते हैं। तो अभी इसको ढक्कन पूरा नहीं लगाना। अच्छा, थोड़ा सा ढक्कन और उस कढ़ाई के अंदर गैप रखना होता है, जिससे क्या भाप भी निकलती रहे और ये अब पक जाएगा थोड़ी देर में। धीमी आंच पे बनाना है, धीमी आंच पे ही। तो बीच बीच में फ्रेंड्स इसको हिलाते रहना, जिससे क्या है कि वो जले ना नीचे से। भिंडी को बीच में 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के बाद में इसको चेक करते रहना, जिससे क्या है कि ये पूरी तरह पक जाए। अभी आप थोड़ा तेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ढक्कन उतार दिया है। तो भिंडी हमारे रेडी होने वाली है, अभी इसको 3 से 5 मिनट तक पकाएंगे और ये भिंडी एकदम रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, भिंडी लगभग लगभग रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, इसके बाद ये बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएगी। और ये सिंपल भिंडी है बिल्कुल, इसमें
इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलाया गया और ये स्वाद बहुत बनती है। तो फ्रेंड्स ये अभी इसको हमने कर दिया बंद, ये हो चुकी है रेडी। इसके ऊपर ढक्कन इसलिए लगाया क्योंकि ये बाद में क्या है कि चिपचिपी सी ज़्यादा बन जाती है, तो अभी ये सूख जाएगी और इस ये एकदम रेडी है खाने के लिए। तो आज राधिका ने बहुत अच्छी भिंडी बनाई है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।